काफी ज्यादा ही सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की मांग को थमते हुए देखकर कई लोगों ने अब तक दुख जाहिर किया। शेखर सुमन ने बार बार ट्विटर पर इस बात की गुहार लगाए कि ये जो न्याय की मांग की जंग है, इसे थमने नहीं देना है। सीबीआई जांच को लेकर 6 महीने में जो सीबीआई ने अब तक जवाब नहीं दिया, इस पर शेखर सुमन ने स्टेटमेंट्स दिए थे। सीबीआई जांच को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में जवाब मांग रही थी सुशांत की बहनें। सुशांत के परिवार ने भी उम्मीद लगाकर अब तक एक एक दिन निकाले कि सुशांत को न्याय मिले, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में जो इतनी ज्यादा उलझी हुई है, अब तक आई खबरें कभी उनके सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उनके रूममेट्स को लेकर, कभी रिया चक्रवर्ती को लेकर, कभी ड्रग मामले को लेकर, तो कभी उनके डिप्रेशन को लेकर, ऐसे में एक नया मामला सामने आया है जिस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। एक बार फिर से आप सभी के बीच मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ एक खास प्रोग्राम। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि सुशांत के निधन से जुड़ा हुआ है एक शख्स जो उनका है बहुत करीब। इस पर जो स्टेटमेंट आए हैं जांच करने वाले एजेंसी की, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आई खबरों की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी एक बड़ी खबर अभी आई है। ड्रग रिलेटेड केस में अब ऑफिसर ने ये कहा है कि सुशांत के ही एक दोस्त ने एजेंसी के समन के दौरान सवाल का जवाब देने से दूरियां बनाई थी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बीते शुक्रवार को एक सर्च शुरू किया सुशांत केस के दोस्त को लेकर, और उसने एजेंसी के समन को स्किप किया। और इसके बाद ड्रग रिलेटेड इस केस में ऑफिशियल का कहना है सुशांत के उस फ्रेंड की तलाश की जा रही है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार की बात करें तो उन्हें एब्सकॉन्डिंग पर भी बताया जा रहा है, यानी कि एनसीबी ऑफिशियल जो कि कनेक्टेड है मीडिया के साथ, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। एनसीबी ने डायरेक्टेड पवार को लेकर, डॉक्टर पवार को लेकर भी बात की है। क्वेश्चनिंग होने वाला था सुशांत के वो दोस्त को लेकर कहा जा रहा है, जो डेवलपमेंट है नया ड्रग केस में उसे लेकर कहा जा रहा है कि सुशांत के निधन से जुड़ा है ये मामला, यानी कि वो सबूत अब जाकर सामने आ रहा है जो सच पता न लगा पाई सीबीआई। निधन के 6 महीने के बाद अब पता लगाएगी वो सच्चाई। जी हाँ, सीबीआई ने 6 महीने की देर कर दी है, अब तक जांच निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, लेकिन सुशांत के उस दोस्त की तलाश है जो कि सुशांत के निधन से जुड़ा है कहा जा रहा है। मुंबई में 14 जून की तारीख को बांद्रा में अपने फ्लैट में अंतिम सांस लेने वाले सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले पर तहकीकात चल रही है। एनसीबी ने जो रजिस्टर किए थे 2 केसेस, उस पर ये मामला अब कहा जा रहा है कि काफी आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा शो सुशांत के निधन के मामले में कैसे लिंक हुआ है उनके फ्रेंड से जुड़ा ये मामला। इस पर जो जवाब सामने आया है एजेंसी का वो हमने आपको बताया। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपने रिएक्शन जरूर देंगे, बताएंगे आप हमें कि इस पर एजेंसी ने जो कहा है इससे आप कितना सहमत है। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आपसे लेंगे इजाजत, फिर लौटेंगे फिल्म इंडस्ट्री की नई खबरें लेकर। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।